हेलो गाइस, दिस इज़ गैब्रियल वैन एंड वेलकम टू माय चैनल। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं अभी ओवरवॉच 2 में सपोर्ट रोल के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ। सपोर्ट रोल में अब तक मैं एना और बैप्टिस्ट के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। आज मैं ब्रिकेट के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसको हम लोग ब्रिग भी कहते हैं। ये सबसे बेस्ट सपोर्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसका पैसिव बहुत अच्छा है। आगे तक वीडियो देखिए इसके बारे में जानने के लिए। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। मैंने ब्रेक चूज़ कर लिया है। इसकी मैं पावर बता देता हूँ। इसकी पावर ये है कि ये मेले वेपन यूज़ करती है और क्लोज रेंज में ही फाइट ले सकती है, और शिफ्ट बटन से ये अपना मेले वेपन थोड़ा दूर फेंकती है। तो जो भी सामने एनिमी टीम का कोई भी बंदा है, किसी के ऊपर अगर मैं शिफ्ट बटन मारूंगा तो थोड़ा दूर जाता है, दूर ड्रॉप होके गिरता है वो। ओके, और सेकंड चीज़ है इसका ई बटन। ई से ये हील फेंकती है। इसके पास 3 हील हैं और टाइम टू टाइम ये आती रहती है। ई बटन से ये हील फेंकती है, और राइट क्लिक करने से एक शील्ड बनती है जो 250 डैमेज अब्सॉर्ब कर सकती है। उसके बाद ये ब्रेक हो जाएगी और उसके बाद फिर आ सकती है। और अगर मैं शील्ड लगा के रखा और राइट लेफ्ट क्लिक करूँ, ये डैश मारती है। इससे भी सामने वाला बंदा जो है थोड़ा दूर फेंकता है, उसको डैमेज पड़ता है। ओके, ये मैं क्लोज रेंज में बता देता हूँ। ये क्लोज रेंज है, इतनी रेंज है इसकी, 5 मीटर 5 मीटर, इससे दूर नहीं मार सकती। ओके, शिफ्ट बटन से ये थोड़ा दूर फेंकेगा, ये डैमेज ही पड़ता है और दूर भी गिरता है। ओके, हमने इसका है हीलिंग, ये ई से हील फेंकता, 3 हील फेंक मिलती है, लेकिन खत्म हो गई मेरे पास। और मैं फिर से फेंक रहा हूँ। इसका पैसिव बहुत बेस्ट है। अगर मैं यहाँ से शिफ्ट करवाऊँगा यहाँ पे, देखिए हील होगा। मैं हील नहीं कर रहा हूँ इन लोगों को, मेरे पास में ये लोग खड़े हैं तो ये लोग हील हो रहे हैं। और ये जो शिफ्ट बटन जो है, ये बस 20 मीटर की दूर से लगा सकता, इससे ज़्यादा दूर जाऊँगा तो ये नहीं मार पाएगा, नहीं मार पाऊंगा। और मैं यहाँ पे भी मारूंगा इसको, वो लोग हील हो गए। 20 मीटर तक हील हो सकते हैं, 20 मीटर तक हील हो सकते हैं। अभी मैं इसकी शील्ड बता देता हूँ। शील्ड जो है ये डैमेज ऑब्जर्व कर सकती है, और मैं इसको डैमेज दे सकता हूँ, दूर भी जा सकते हैं ये लोग, है ना। ये शूट नॉक कर दिया मैंने उसको। इसकी जो शील्ड है वो ब्रेकेबल है, मैं बताता हूँ। 250 डैमेज ऑब्जर्व कर सकती है, खत्म हो रही है। अब ये 4 सेकंड बाद वापस आ जाएगा। और सेकंड चीज़ ये है, अगर आप शील्ड लगा के रखे हो सामने वाली टीम, अपना अपनी टीम को हील करना है तो नॉर्मली कुछ नहीं करना है, ई बटन दबा दो, तो थोड़ी देर के लिए शील्ड अपने आप खुद से हटा देती है और खुद ही आप वापस आ जाता ऑटोमेटिकली। ये इसकी एबिलिटीज थी। अब इसकी मैं अल्टीमेट बताता हूँ। अल्टीमेट जो है इसकी, ये थोड़ा अल्टीमेट मारने के बाद ये थोड़ा मूव फास्ट करती है, और साथ में जितने भी खड़े हुए लोग हैं उनको एक्स्ट्रा हेल्थ मिलती है। ओके, हील नहीं करती है, एक्स्ट्रा हेल्थ मिलती है। ये देखिए, मेरे को भी जो है ग्रीन हील मिली है, ये देखो इनको भी मिली है, ग्रीन हेल्थ बार इनका बढ़ गया है। अब ये लोग मूव फास्ट कर रहा हूँ। ये जो मेरी एक्स्ट्रा हेल्थ अभी भी है मेरे पास, और मेरे टीम के पास भी है, ये मेरे टीम के पास भी है। इतना ही है ब्रेक को खेलने के लिए। देखिए मेरी ये जो एक्स्ट्रा हेल्थ थी वो अभी खत्म हो गई। ऐसे ब्रेक को खेला जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है, मैं अभी ग्रोइंग कंडीशन में हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।